ये भोलेनाथ, भोलेनाथ है। माता पार्वती, छोटी बिल्लियां भी हैं, इंद्र परिवार, हाँ ये मालनी बिल्लियां मेरी, इसको है ये चले, ये हर उसे का सारा पता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं कर रहा हूँ जम्मू को एक्सप्लोर, और उसी के चलते मैं काफ़ी जगह गया हूँ। मेरी आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, तो ये पिछली वीडियो को ही मैं कंटिन्यू रखते हुए अभी फ्रेंड्स मैं आपको लेके आ गया हूँ गौरीकुंड। सबसे पहले मैं गया था शुद्ध महादेव, फिर मैं गया मानतलाई, और अभी मैं आ गया हूँ गौरीकुंड। ये सबसे पहला जो मतलब सबसे पहली जो जगह आती है यही है गौरीकुंड। यहाँ से शुद्ध महादेव 5 किलोमीटर है। यहाँ की अगर मैं आपको कहानी बताऊँ तो पार्वती माता यहाँ पहले स्नान किया करते थे, फिर ऊपर गुफा है, मैं वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे वो मतलब ध्यान लगाया करते थे, पूजा किया करते थे, पूजा हमारे भोले बाबा को पाने के लिए वो पूजा किया करते थे। अभी फ़िलहाल मैं आपको करवाता हूँ दर्शन हर एक जगह के, यहाँ पर गुफा के भी करवाता हूँ और कुंड के भी आपको दर्शन करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स यही वो जगह है, आप देख रहे हो गुफा, यहाँ पे गौरी माँ स्नान किया करते थे। ये गुफा देख रहे हो आप अंदर, आप यहाँ पढ़ सकते हो। और सो फ्रेंड्स ये है इनका प्रमुख द्वार गुफा का, ये यहाँ पे पार्वती माता की तस्वीर, और से एंट्रेंस गुफा की, ये मैं आपको अंदर ले चलूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये आप मूर्ति देख रहे हो, ये आप शंभु मूर्ति ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। ये जो आप देख रहे हो ये नीचे आप शंभु भोले शंकर की मूर्ति है, पार्वती माता की मूर्ति है। जय भोले शंकर, जय जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। ये रास्ता फ्रेंड्स ये है गर्व जून का रास्ता है, और इधर से एग्जिट है इसके, यहाँ से, और फिर ये यहाँ से बाहर एग्जिट, ये आप देख सकते हो यहाँ से एग्जिट है गुफा का द्वार की एग्जिट है। सो फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं खाने वाला हूँ यहाँ पे लंगर, क्योंकि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी हुई है। तो लंगर यहाँ 24 घंटे लगा रहता है, आप जब भी आओगे तो लंगर आपको खुला ही मिलेगा। अभी फिलहाल मैं भी खाने लगा हूँ लंगर। फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, ये आप पीछे देख रहे हो ना, एक्चुअली एक स्कूल है, और यहाँ पे लगा हुआ है लंगर, और मेरे पीछे ये स्कूल है। और मैं बताऊँ इनके तो मज़े हैं यार, मतलब स्कूल स्कूल से सीधे बाहर आए, लंगर खाया आराम से, फिर वापस चले गए पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी जा रहा हूँ मैं वापस उधमपुर की तरफ, और सोचा कि आपको छोटे अमरनाथ के दर्शन करवा दूँ। तो ये बता दूँ ये गुफा है, जो कि जब चनैनी टनल या इसका रोड का काम लगा हुआ था तब ये दिखी थी गुफा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, यही है वो गुफा जिसे छोटा अमरनाथ कहते हैं। पुजारी जी बैठे हुए हैं, दस पुजारी के गए हैं, ये भोलेनाथ हैं, माता पार्वती, छोटी बिल्लियाँ भी हैं, इंद्र परिवार, ये फ्रेंड्स ये भोले बाबा है,
और माता पार्वती हैं, ये छोटी भी नहीं है इनकी, इन सबकी छोटी मतलब परिवार है, पूरा बोला परिवार है, पूरा परिवार। ये देखो जय भोले बाबा। और ये गणपति है साइड पे, आपको व्यू दिखा दूं फिर से दोबारा मैं गुफा का। ये गुफा के दर्शन के बाद ये देखो रश होंदा इधर कुछ लोग, रश मतलब इ'यां कोई दिन बाद इ'यां अमरनाथ यात्रा जंदी उसलै होंदा। तो ये शिव गुफा जिसे कहते हैं श्री छोटे अमरनाथ जी। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं रूम में, बाकी रूम ले लिए मैंने उधमपुर यहां पे ही, मैंने बस स्टैंड पे ही रूम ले लिया, चीप रेट में अच्छा मिल गया रूम। बाकी मुझे रात ही जानी है क्योंकि सुबह किसी दूसरे सफ़र में निकलना है। तो अगर मेरे चैनल पे कोई नया आया हुआ है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आप मेरे आने वाले ब्लॉग्स देख सको। बाकी मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।